चित्र देखिएगा इससे पहले घास भूमिया मेरा टॉपिक आएगा। विश्व की प्रमुख घास भूमिया, नाम सुना होगा आपने, लेनोस, कैंपोस, प्रेरीज, डाउन्स, स्टेपीज, अनेक सारी घास भूमिया है, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। टॉपिक निकालिएगा, आपको देर का है, घास भूमिया विश्व की, विश्व की प्रमुख घास भूमिया। मेजर ग्रासलैंड ऑफ दी वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख घास भूमिया। तो देखते हैं कौन कौन सी घास भूमिया कहां पर पाई जाती है, सवाल कैसे बनते हैं उनसे रिलेटेड समझेगा। मैं आपके सामने यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, उसको समझेंगे तो घास भूमिया समझ में आएगी। यहाँ पर एक चित्र बनाऊंगा, जरा बढ़िया से समझेगा। जीरो डिग्री का क्षेत्र, यहाँ पर है 23.5 डिग्री, इधर भी 23.5 डिग्री, ये कहलाती है कर्क रेखा और ये कहलाएगी मकर रेखा, और ये भूमध्य रेखा कहलाती है। 23.5 23 बीच में 0 डिग्री। यहां पर एक रेखा को नाम लोकेट कर रहा हूं 66.5 डिग्री, और इधर भी कहलाती है 66.5 डिग्री, और यहां पर है 90 डिग्री, और इधर भी कहलाती है 90 डिग्री। अब यहां पर जरा समझेगा, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में, यहां पर है सूर्य का तापमान क्या गिरता है, ज्यादा, क्योंकि 0 डिग्री पर वर्ष के अधिकांश समय सीधा गिरेगा तापमान, तापमान की प्राप्ति ज्यादा होगी तो यह क्षेत्र उष्ण रहेगा, गर्म, इसलिए इसका नाम कहलाता है उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। गर्मी ज्यादा तो नाम पड़ गया उष्ण कटिबंध, और यहां पर गर्मी रहेगी सबसे कम ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में गर्मी सबसे कम रहेगी, तो 66.5 से 90 डिग्री तक का क्षेत्र, ये भी 66.5 से 90। सर्दी बहुत ज्यादा रहती है इधर ध्रुवीय क्षेत्रों में, नाम पड़ जाता है शीत कटिबंध। इंग्लिश मीडियम कौन है आपने बताइए, टोरिड जोन उष्ण कटिबंध कहलाता है, टोरिड जोन TORRID टोरिड, और ये कहेंगे फ्रिजिड जोन, फ्रिज जैसा ठंडा, फ्रिजिड जोन कहलाता है, ये भी कहलाता है फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन, और यहां गर्मी ज्यादा तो उष्ण, सर्दी ज्यादा तो शीत कटिबंध। अब दोनों के बीच का क्षेत्र, गर्मी का भी प्रभाव रहेगा, सर्दी का भी प्रभाव रहेगा, शीत प्लस उष्ण नाम क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से, मध्य का नाम पड़ गया शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन कहलाता है, ये भी कहलाएगा टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। पांच कटिबंध पाए जाते हैं संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर, देखें दो शीत, दो शीतोष्ण और एक क्या हुआ उष्ण कटिबंध, पांच कटिबंधों का यहां पर विस्तार पाया जाता है संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर। 7 तापमान पेटियां हैं, तापमान के आधार पर बांटा है। इसी चित्र में अब यहां पर बात समझिएगा, हमने पढ़ा था घास भूमियों का विस्तार कितने से कितने डिग्री के मध्य में, 10 से 20 डिग्री, याद करिए 0 से 10 में घने वन, 10 से 20, इसका मतलब यहां पर होगा 10 डिग्री और यहां पर क्या होगा 20 डिग्री। या तो घास भूमिया यहां पर जो पाई जाएगी ये घास भूमिया कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय घास भूमिया इधर भी, और अगर 23.5 से बाहर अगर कोई घास भूमि पाई जा रही है कैसी होगी, शीतोष्ण कटिबंध। घास भूमिया दो ही तरह की होती है, या तो उष्ण या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। शीतोष्ण और उष्ण क्या होते हैं, शब्दों की मैंने व्याख्या कर दी। अब आ रहा हूं विश्व की प्रमुख घास भूमियों के बारे में, कौन कौन सी कहां पर स्थित है चित्र में देखिएगा, यहां पर देखिएगा 0 डिग्री का क्षेत्र, 23.5 23 डिग्री इधर भी ये क्षेत्र, और यहां पर रखूंगा मैं 66.5 डिग्री। देखिए 23.5 से 23 के इसके बीच के क्षेत्र का हमने नाम क्या दिया था, उष्ण कटिबंध। ये वाला नक्शा मैंने आपको बनाकर दिया, जो आपको समझाने जा रहा हूं वही बना रहा हूं जो आपको नक्शा मैप में मैंने हाथों में दिया है, ये कहलाएगा उष्ण, और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि 23.5 से 66 के मध्य का क्षेत्र क्या नाम है, शीतोष्ण, और ये भी कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। अब यहाँ पर घास भूमियों के नाम देखिएगा, यहाँ पर जो 10 से 20 डिग्री के मध्य में घास भूमि है इसका नाम क्या था, सवाना घास भूमि, याद करिए, और यहाँ पर भी घास भूमि है 10 से 20 डिग्री के मध्य में सवाना, यहाँ पर घास भूमि है सवाना, सवाना घास भूमि विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि है, और ये कैसी घास भूमि है, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, अफ्रीका महाद्वीप के अनेक सारे देशों में पहली है। सवाल इसमें ही आता है सवाना घास भूमि किस तरह की घास भूमि है, हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, और यहाँ पर पढ़ा था हमने लेनोस घास भूमि, याद करिए, और यहाँ पर अभी देखा था कैंपोस घास भूमि, ये मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, एल मतलब लेनोस, के मतलब कैंपोस, लेनोस घास भूमि, कैंपोस और इधर सवाना, ये तीनों घास भूमियां किस तरह की हुई, उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों के उदाहरण कहलाते हैं। सवाना घास भूमि अफ्रीका महाद्वीप में विभिन्न देशों में, यहाँ विशाल आकार के जंतु शेर हाथी जिराफ ज़ेब्रा इत्यादि पाए जाते हैं। और अब आते हैं लेनोस, दो देशों में पहली है, यहाँ पर देश का नाम है एक तो वेनेजुएला और एक का नाम है कोलंबिया, वेनेजुएला व कोलंबिया देश में पहली उष्ण कटिबंधीय घास भूमि नाम कहलाती है, इसी का लेनोस घास भूमि कहलाती है। दो देशों में सारे वेनेजुएला और कोलंबिया, चार्ट बनाकर दिया मैंने, देखिए ऊपर वहां पर नाम भी लिख दिया किन किन देशों में, उसी चित्र में अच्छे से देखिएगा। कैंपोस घास भूमि का विस्तार है ब्राजील देश में, यहां पर देश का नाम कहलाता है ब्राजील, ब्राजील देश में घास भूमि कहलाती है, नाम कहलाती है कैंपोस घास भूमि। तो नाम आते हैं कई बार घास भूमि कौन से देश में है और कौन से अर्थात किस तरह की घास भूमि है, तो दो बातें याद रखनी होगी, उष्ण कटिबंधीय और देश का नाम कहलाएगा ब्राजील देश में। अगला देखेगा, कुछ घास भूमि यहां पर भी पाई जाती है, यहां पर एक घास भूमि है इसका नाम कहलाता है प्रेरीज, प्रेयरीज,
यहाँ पर एक देश से देश का नाम कहलाता है यूएसए, और इधर एक देश से देश का नाम कहलाता है कनाडा। यूएसए व कनाडा देशों में पहली घासभूमि नाम कहलाती है प्रेरीज घासभूमि कहलाती है। कैसी घासभूमि होगी? शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि का उदाहरण है। यहाँ पर घास के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। देखिए गेहूं सर्दियों के क्षेत्र में, शीतोष्ण मतलब क्या होगा, ठंड होगी यहाँ पर, और गेहूं का उत्पादन कब होगा, नवंबर दिसंबर में बोते हैं भारत में भी, जब ठंड होती है उस समय, रबी की फसल है, तो यहाँ पर गेहूं का उत्पादन भी खूब किया जाता है। प्रेरीज घासभूमि में घास के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका गेहूं का तीसरा प्रमुख उत्पादन करता देश है विश्व में, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि यहाँ की प्रेरीज घासभूमि में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए अमेरिका का तीसरा स्थान है गेहूं उत्पादन में। यहाँ पर एक घासभूमि है देखिए इधर की ओर, इसका नाम कहलाता है स्टेपीज घासभूमि, स्टेपीज ये घासभूमि कहलाती है, स्टेपिच घास भूमि। तीन देशों में इसका विस्तार है, रूस, यूक्रेन और हंगरी। यहां पर तीन नाम लिख रहा हूं, देखिए हंगरी देश सबसे इधर की ओर, मध्य में देश है यूक्रेन, और इधर की ओर यहां पर एक देश है इसी का भाग नाम कहलाता है, रूस का भाग है, कुछ भाग रूस का, रूस, यूक्रेन व हंगरी, तीन देशों में पहली घासभूमि नाम कहलाती है स्टेपिच घासभूमि। यहां पर भी देखिए सर्दी का क्षेत्र, ठंड रहेगी, तो यहां पर भी गेहूं का उत्पादन खूब किया जाता है। प्रेरीज और स्टेपिच घासभूमि में गेहूं का उत्पादन होता है, खासतौर से यूक्रेन देश में ज्यादा फैली है घासभूमि, इसलिए यूक्रेन देश में गेहूं का उत्पादन खूब होता है। इसलिए आपने नाम सुना होगा यूक्रेन देश का उपनाम क्या है, वो यूक्रेन देश का उपनाम कहलाता है रोटियों की डालियों के उपनाम से जाना जाता है यूक्रेन को, पता होगा कभी आपने, यूक्रेन देश का उपनाम है रोटियों की डालियां, अर्थात रोटियां नहीं लगती डालियों पर, क्या है, डालियों पर लगता है गेहूं, और गेहूं से बनाई जाती है रोटी, यूक्रेन देश का उपनाम कहलाता है, रोटियों की डालियों के उपनाम से गेहूं का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है। और ये स्टेपिज घासभूमि को हंगरी देश में, यहां पर हंगरी देश में स्पेशल नाम है, इसका नाम कहलाता है पुस्ताज कहा जाता है, हंगरी देश में इसका स्पेशल नाम है, नाम कहलाता है पुस्ताज, पु आधा सा ताज, पुस्ताज कहा जाता है, हंगरी देश में इसका उपनाम कहलाता है पुस्ताज के नाम से। तो ये घासभूमि कैसी होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। अब आती है यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया देश में घासभूमि है, यहां पर इस घासभूमि का नाम कहलाता है डाउन्स, डाउन्स घासभूमि। कैसी घासभूमि होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है, देखिए यहां पर इसको जरा सही करना, इस बात यहाँ पर घासभूमि है, मैं इधर कर दे रहा हूँ, इसको जरा देखिएगा, ये घासभूमि क्या लगी है, डाउन्स घासभूमि, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया देश में ये घासभूमि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया देश में, इसके इधर में एक नदी है, नदी का नाम है डार्लिंग, और इधर नदी है मर्रे, दो नदियों के मध्य में घासभूमि है, ये कहलाती है डार्लिंग, और ये नदी है मर्रे नदी, डार्लिंग नदी के किनारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश का सिडनी नगर स्थित है। तो डाउन्स घासभूमि डार्लिंग व मर्रे नदियों के मध्य में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। और सबसे फेमस बात, यहाँ पर एक भेड़ पाली जाती है दुनिया की प्रसिद्ध, नाम कहलाती है मेरिनो, भेड़ का पालन किया जाता है, भेड़ का नाम है मेरिनो, मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, तो उसके लिए प्रसिद्ध, जैसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है चोकला को, ये जो ओरिजिनल मेरिनो भेड़ पाई जाती है इसी देश में, नाम कहलाता है ऑस्ट्रेलिया देश की डाउन्स घासभूमि में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, घास है और घास पशुओं को चरने में काम आएगी, तो यहां पर मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। और तो ऑस्ट्रेलिया देश की घासभूमि कहलाती है डाउन्स। यहीं पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है न्यूजीलैंड, यहां पर नाम देखिएगा आपके लिख रखा है कैंटरबरी घासभूमि, इसका नाम कहलाता है कैंटरबरी घासभूमि, यहां पर नाम लिख दे रहा हूं, जगह नहीं बची इधर लिख दे रहा हूं कैंटरबरी, ये कैंटरबरी घासभूमि न्यूजीलैंड देश में स्थित है, यहां पर देश का नाम है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड फेमस नाम सुना होगा, केने विलियमसन मैकुलम, वो यही देश है न्यूजीलैंड, तो ये कैंटरबरी घासभूमि यहां पाई जाती है इस देश में न्यूजीलैंड में। कैसी घासभूमि है, शीतोष्ण कटिबंधीय। अब आता हूं यहां पर साउथ अफ्रीका देश है, यहां पर अफ्रीका, एबी डी विलियर्स नाम सुना होगा, ये तो बहुत ही फेमस नाम है, यहां पर एक घासभूमि है, घासभूमि का नाम कहलाती है वेल्ड, वेल्ड घासभूमि कहलाती है, अफ्रीका महाद्वीप में देश का नाम है साउथ अफ्रीका, या घासभूमि का नाम है वेल्ड, यहाँ पर भी मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। तो विश्व की दो घासभूमियों मेरिनो भेड़ का पालन है, एक में डाउन्स और दूसरा नाम कहलाता है वेल्ड के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर भी मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। अगली घासभूमि और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर सवाल देती है, सवाल आने के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट घासभूमि यहाँ पर, अब ये घासभूमि यहाँ पर है इधर की ओर, नाम कहलाती है पंपास, पंपास घासभूमि, और यहां मैंने देश बताया था, देश का नाम कहलाता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना देश में घासभूमि है, घासभूमि का नाम कहलाती है पंपास घासभूमि, यहां दुनिया की सबसे पौष्टिक घास उगती है, जैसे राजस्थान में घास उगती है सेवड़ घास पौष्टिक होती है, वैसे ही यहां पर यह घास उगती है, घास का नाम कहलाती है अल्फा अल्फा, यहां पर यह घास का नाम है अल्फा अल्फा घास, ये दुनिया की सबसे पौष्टिक घास कही जाती है। अब घास का जाए कितनी भी पौष्टिक क्यों ना, हम तो नहीं चरेंगे, घास कौन चरेगा, पशु, सबसे पौष्टिक घास को पशु चरेंगे, तो यहां पर पशु चरेंगे तो पशुओं को भी बहुत पौष्टिकता मिलेगी और मोटे तगड़े हो जाएंगे पशु, और मोटे तगड़े होंगे तो दो ही उद्देश्य होगा, या तो दूध की प्राप्ति या मांस की प्राप्ति, अर्जेंटीना देश यहां पर मांस की प्राप्ति के लिए पशुओं को पालता है, और मांस की प्राप्ति के लिए पालता है, पशु मोटे तगड़े होते हैं, मांस को निर्यात कर देता है एक्सपोर्ट, इसलिए अर्जेंटीना राष्ट्र विश्व का सर्व प्रमुख मांस निर्यातक राष्ट्र है, उसमें इस घासभूमि का योगदान है, नाम कहलाती है पंपास घास, और सॉरी पंपास घासभूमि, और घास का नाम कहलाता है अल्फा अल्फा घास, एग्जाम में कई बार प्रश्न आया अल्फा अल्फा क्या है, तो ये पंपास घासभूमि में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे पौष्टिक घास कहलाती है। विश्व की मांस निर्यातक देश का नाम कहलाता है नंबर वन अर्जेंटीना, लेकिन विश्व की मांस मंडी शिकागो नगर कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का यहां पर आता है शिकागो नगर इधर की ओर, यहां एक शिकागो नगर है जहां पर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने भागीदारी की थी, वही शिकागो नगर विश्व की मांस मंडी कहलाता है, लेकिन मांस निर्यातक देश कौन कहलाएगा, अर्जेंटीना देश, क्यों बना, कारण समझ में आ गया, पंपास घास भूमि के कारण, और यहां पर प्रसिद्ध घास है, नाम कहलाती है अल्फा अल्फा। ये घास भूमियों के बारे में मैंने आपके
आपके सामने सारे बिंदु चर्चा कर दिए हैं। समझ में आएगा तो प्रश्न पूछूंगा, मैं प्रत्येक टॉपिक पढ़ूंगा प्रश्न पूछूंगा। निम्न में से कौन सी घास भूमि अन्य तीन से अलग है, अन्य तीन से भिन्न है? नाम सुनिएगा, डाउन्स, स्टेपीज, प्रेरीज और कैंपोस। डाउन्स, स्टेपीज, प्रेरीज और कैंपोस घास भूमि कैंपोस कहलाएगी, क्योंकि कैंपोस घास भूमि उष्णकटिबंधीय, बाकी तीनों शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों के नाम है। निम्न में से कौन सी घास भूमि उष्णकटिबंधीय घास भूमि नहीं है? सबाना, लेनोस, डाउन्स और कैंपोस। डाउन्स घास भूमि क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि का उदाहरण कहलाती है। बाकी तीनों जो नाम दिए वो उष्णकटिबंधीय घास भूमि। दुनिया की सबसे बड़ी घास भूमि सबाना घास भूमि कहलाती है। देखिए इसका दोनों तरफ है, ये दोनों का नाम सबाना कहलाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देशों में पहली घास भूमि नाम कहलाती है सबाना घास भूमि, दुनिया की सबसे बड़ी घास भूमि कहलाती है। रोटियों की डालियों के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? यूक्रेन देश कहलाता है। तो यूरोप महाद्वीप का गेहूं उत्पादन करता प्रमुख देश, देश का नाम कहलाएगा यूक्रेन देश कहलाता है। ये गेहूं उत्पादन में प्रमुख देश कहा जाता है यूरोप महाद्वीप का, क्योंकि यहाँ पर घास भूमि है, स्टेपीज घास भूमि पाई जाती है। इन घास भूमि में एक मिट्टी पाई जाती है, अक्सर सवाल आता है चारनोजम मृदा। हमारे यहाँ की काली मिट्टी जैसी मिट्टी है, तो कई बार आता है चारनोजम मृदा कहाँ पर पाई जाती है? दो घास भूमि में पाई जाती है, स्टेपीज और प्रेरीज में। इसका रंग कैसा होता है? काले रंग की मिट्टी होती है। ये बहुत ही फेमस सवाल है। तो ये टॉपिक कहलाता है विश्व की प्रमुख घास भूमियां। सारा वर्णन मैंने चित्र बनाकर और चार्ट बनाकर दिया, देखिए कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारी बातें दे दी है। बात समझ में आई नहीं, बताइए कुछ समझ में आ रहा है नहीं? अभी केवल मुझे कितना समय हुआ है? डेढ़ घंटा हुआ है, अभी 10 घंटे बाद में कहा था, बातें समझ में आई नहीं? विश्व के महाद्वीप महासागर साधारण परिचय, विश्व की घास भूमियां, विश्व के मरुस्थल, तीन टॉपिक मैंने आपको कराए हैं। कोई दिक्कत? बोलिए यहां पर सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो मुझे आप जो भी समस्या हो, नहीं हो तो जाते समय पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है?